कांग्रेस द्वारा जब से प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक ऐसी बात कही जो चौंकाने वाली है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस एक टूटी हुई नाव है, वो केवल एट्रोसिटी एक्ट के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव जीत पाई, नहीं तो उसे कोई चंदन लगाने वाला भी नहीं था। इस विधायक ने यह भी कहा कि जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था, तब रावण ने पहले अपनी बहन सुपर्णखा को भेजा था। लगता है राहुल भी रावण के रूप में ही सामने आए हैं। राम के रूप में तो नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, राहुल ने तो सुपर्णखा के रूप में बहन प्रियंका को मैदान में उतारा है, तो मान लीजिए लंका विजय हो गई। इधर प्रयागराज कुंभ के अंदर कांग्रेसी नेताओं द्वारा प्रियंका गांधी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। उन्होंने उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें गंगा की बेटी बताया है। कुल मिलाकर इन तस्वीरों में बेहद रोचक बातें बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले नरेंद्र मोदी द्वारा खुद को गंगा का बेटा बताया गया था। एक अन्य पोस्टर में बिहार में राहुल को राम भी बताया गया है। कुल मिलाकर इन दिनों इस तरह की बातों की बाढ़ सी आ गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।